नरोत्तम मिश्रा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किए गए दिल्ली तलब, मध्य प्रदेश में जल्द होगा बड़ा उलटफेर। मदारी गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत में हलचल तेज हो चली है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे के चार दिन बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी पहुंचे। मंगलवार को सीएम चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद शिवराज का यह पहला दिल्ली दौरा है। पार्टी की शीर्ष कमेटी से हटाए जाने के बाद सीएम चौहान की भाजपा अध्यक्ष नड्डा से यह पहली मुलाकात है। वहीं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भोपाल में सीएम की 1-to-1 मुलाकात को अहम बताया गया था। यह सब देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत करवट लेने वाली है। चौहान के दिल्ली दौरे को सियासी बदलाव की आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल शिवराज सरकार में 4 मंत्रियों की जगह खाली है। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। पार्टी ने कभी भी आधिकारिक रूप से इसके संकेत नहीं दिए हैं। इसी बीच रविवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात और मंगलवार को उनके दिल्ली दौरे को लेकर फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मुख्यमंत्री कैबिनेट और निगम मंडलों में खाली पद भर लेंगे। हालांकि पार्टी के नेता इन अटकलों को खारिज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहली आधिकारिक मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। फिर वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने पहुंचे। सीएम चौहान और भाजपा अध्यक्ष की मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत जल्द करवट लेने वाली है, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। वहीं प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव ठीक वर्ष बाद है। इसी को देखते हुए प्रदेश पार्टी में बड़े बदलाव कर सकती है। इसी जातिगत समीकरणों को संतुलित करने के लिए 1 या 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा हाईकमान मिश्रा को डिप्टी सीएम का पद दे सकती है। कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा जातिगत समीकरण साधने के साथ अन्य कई निशाने साध सकती है। 4 दिन पहले ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली आए थे। दरअसल शिवराज के ही कैबिनेट में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा नई नहीं है। विधायकों की तरफ से भी यह मांग उठती रही है। सरकार चुनाव से पहले किसी को भी नाराज नहीं रखना चाहती। इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार कर नाराजगी दूर करना चाहती है। दावेदारों में अजय बिश्नोई, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, संजय पाठक, सीता शरण शर्मा, यशपाल सिंह शामिल है। इसके अलावा जोबट से उपचुनाव जीतने वाली आदिवासी वर्ग की सुलोचना रावत का नाम भी चर्चाओं में है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सरोकार इंडिया, न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।